एक जमाना था जब मैं कॉलेज में जाता था, जमींदार कॉलेज, गालबन 98-99 की बात है। अपने गांव से मैं एक साइकिल पे जाता था और पूजा गाजी चौक में साइकिल को लॉक कर दे, बस पे बैठ के फिर आगे रामतलाई चौक के पास एक साइकिल रखी होती थी, वहां से मैं जमींदार कॉलेज जाता था। तो मैं सोचता था कि एक ना एक दिन अच्छी गाड़ी आ जाए बंदी की तो क्या ही कमाल हो जाए। लेकिन हकीकत में ऐसा लगता था कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मेरे वालिद साहब जो है उनके पास 70 मोटरसाइकिल होती थी। कभी कभी वो मोटरसाइकिल मिलती थी कॉलेज जाने के लिए तो जमींदार उसमें उस टाइम में बाईपास जो है गुजरात का नया बना था, तो शहीन चौक से जब बाईपास पे चढ़ता था ना मैं, तो कुछ देर के लिए हमारे पास यामा की 2-स्ट्रोक जो है ना YB 100 वो थी। तो यामा को ना शहीन चौक से बाईपास पे चढ़ते हुए थोड़ी सी फुल गियर लगा के रेस देना और 100 तक जाते जाते आगे से हरिया वाला चौक आ जाता। तो ये तो होगी पुरानी बात, लेकिन असल बात यह है कि आदमी की ख्वाहिशें जो है ना वो कभी पूरी नहीं होती। शायद ने कहा है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक पे दम निकले। तो यही बात है कि आदमी चाहे उसके पास जितना भी माल आ जाए, जो भी उसके पास सिटीजनशिप आ जाए USA, कनाडा, यूरोप की, उसकी ख्वाहिशें जो है ना वो कभी पूरी नहीं होती। बहरहाल मेरा अल्लाह ताला का करम है कि दीन जो है वो मेरी जिंदगी में आज से 12-13 साल पहले मैंने कोशिश ये की कि दीन के ऊपर चलना शुरू कर दें। सबसे बड़ी जो सपोर्ट थी ना उस वक्त मुझे मेरी वालदा की थी, अल्लाह ताला उनकी दरगाह बुलंद करे, उनकी सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा थी मुझे। लेकिन 2014 में वो कैलगरी आ गए लोग, तो उसके बाद टोटली अल्लाह ताला की मदद से गुजारा भी होता रहा, हालात भी चलते रहे। लेकिन मुझे एक बार आदमी को यकीन हो जाए ना कि अल्लाह जो है वो मुझे हर तरह की मुश्किल में से निकाल लेगा तो फिर आसान हो जाए।